स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ बायो सब्जेक्ट चैप्टर फाइव। ठीक है, चैप्टर फाइव का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, नाइन्थ की एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे जो बायो का जो चैप्टर है वो फाइव है। ठीक है, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ कॉल्ड द सेल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द सेल। सी, सेल के बारे में हम लोग सीखेंगे, सेल है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सी द डिफिनेशन ऑफ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है एंड कैन परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर सकती है, इंडिपेंडेंटली रह सकती है एंड कैन परफॉर्म कर सकती है ऑल लाइफ प्रोसेसेस। ओके, साइटोलॉजी, जो जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच सेल स्ट्रक्चर इज स्टडीड। कहने का मतलब है साइटोलॉजी जो है बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम सेल के जो स्ट्रक्चर हैं अंदर के उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसी साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी कहा जाने लगा है। ठीक है, नाउ साइटोलॉजी इज रिप्लेस्ड बाय सेल बायोलॉजी। अब साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी कहा जाने लगे। ठीक है, यानी सेल बायोलॉजी के अंडर हम लोग सेल की स्टडी करते हैं। शुरू से फिर समझ लेते हैं सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इस सेल से ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बॉडी का बना होना, जैसे कि हमारी जो बॉडी है, हम एनिमल्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स कहें तो हमारी जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। ठीक है, यानी हमारी जो बॉडी बनी होती है वो सेल से बनी होती है। जिस तरह एक बॉक्सेस के ऊपर रखते 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 पूरी एक कोई एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे वॉल को आप देखें तो उसमें ब्रिक रखी हुई है एक एक करके, इस तरह से पूरी वॉल बन जाती है ना, तो वो एक जो ब्रिक होती है वो हमारी क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एटम। ठीक है, सभी जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है एटम होता है, उसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो सेल होता है। ठीक है, एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल का मतलब होता है सेल ही सारे काम करती हैं। हम जानते हैं कि हम लोग जो
खाना खाते हैं, मतलब साइंस की लैंग्वेज में कहें तो न्यूट्रिशन करते हैं, तो एक्चुअल में वो सेल करती हैं, ठीक है। तो सेल जो है वो ग्रुप में काम करती हैं, हमको लगता है कि हमारी हम कहने में हम पूरी बॉडी एक साथ काम कर रही है, लेकिन नहीं, वो जो सेल होती हैं वो ग्रुप में मिल के साथ काम करती हैं, ठीक है। कोई एक छोटा यूनिट है जो वो काम करता है अंदर, जैसे कि कहने में हम लोग सांस लेते हैं तो जितनी भी एयर है वो अंदर जाती हैं, लंग्स में जाती हैं, उसके बाद जो है पूरी बॉडी की सेल में पहुँचती हैं, ठीक है। तो जिससे कि फंक्शन है, हार्ट का काम है जो ब्लड को पंप करना, तो हार्ट भी जो है वो एक ऑर्गन है ना, ऑर्गन है, तो उसके अंदर भी जो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सेल है, यानी वो काम कर रही है सेल। यानी जैसे कहीं ग्रुप में लेबर लगा देते ना तो काम जल्दी हो जाता है, तो बहुत सारे, ठीक है, तो वो एक लेबर जो है वो सेल है और बहुत सारे लेबर मिलके जो है वो ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। तो सेल ही सारे काम करती है, ठीक, इसका मतलब ये इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली रह सकती है, मतलब अकेले रह सकती है। जैसे कि अमीबा होता है ना, वो सिंगल रहता है और सारे काम अकेले खुद कर लेता है वो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन से लेके एक अकेली सेल कर लेती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली एंड कैन परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस, और जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं लाइफ के, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, वो सारी ये परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। नाउ साइटोलॉजी इज रिप्लेस बाय सेल बायोलॉजी। अब साइटोलॉजी जो है उसको रिप्लेस कर दिया है सेल बायोलॉजी ने, तो हम सेल बायोलॉजी में सेल की स्टडी करते हैं, हम ये कहेंगे, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ भी देखेंगे सेल है क्या चीज़। सेल ए ग्रुप ऑफ सेल मेक द टिश्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक द ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक द ऑर्गन सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेक द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ध्यान से दीजिए। जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, तो वो सबका स्मॉलेस्ट पार्ट सेल कहलाता है। अब सेल जो है ग्रुप में आ जाती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, ठीक है, और टिश्यू जो है वो ऑर्गन बना लेते हैं, और ऑर्गन जो है वो ग्रुप में हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तुमको हम एक सेल मान लेते हैं, ठीक है, तो अभी तुम्हारा कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। और फिर वो ग्रुप जो को और भी स्टूडेंट को मिला दिए, सारे के ग्रुप को मिला दिया जाए, ठीक है, पूरी क्लास बना ली जाए, तो पूरी क्लास क्या बन जाएगी, ऑर्गन बन जाएगी, है ना, ठीक है। और फिर जो है सारे स्कूल की क्लास दूसरी क्लास को मिला लें आपकी, जैसे कि आप नाइन्थ में हैं, नाइन्थ ए में हैं, बी को भी मिला लें, तो और भी ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो फिर क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक है। इस तरह से जो है पूरे स्कूल के बच्चों को मिला लें उस प्रोजेक्ट में, तो फिर क्या बन जाएगा, पूरा स्कूल बन जाएगा, सारे स्कूल का पार्टिसिपेशन हो जाएगा, तो फिर क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। यही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ प्रोसेस होती है। तो सब लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, सेल हो गई, ठीक है। इस यही चैप्टर का भी नाम है हमारा, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, वो सेल होती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सेल के बारे में यहाँ पर जाना, ठीक है। अब सेल को हम लोग देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सेल के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक वन ओनियन, ओके, एंड देन पील ऑफ। अब जैसे कि कहने का मतलब है कि हमने एक ओनियन लिया, ठीक है, तो उसकी जो ओनियन बल्ब है उसको कट करेंगे, ठीक है, ओनियन को, ओनियन बल्ब पील ऑफ, ठीक है। कहने का मतलब है कि ओनियन को कट करेंगे और उसके जो बल्ब होते हैं किनारे के उसको कट करेंगे और उससे पील एक निकालेंगे, ठीक है, जो एक छिलके की तरह लगेगी, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट निकलेगी वो, उसको निकाल के हम क्या करेंगे, हम वॉच ग्लास में रखेंगे, ठीक है, पुट द पील इनटू वॉच ग्लास
कंटेनिंग वाटर, उसमें क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए जिससे कि वो जो पी ले ना वो सूखने नहीं पाए, ठीक है, वाटर, ठीक है, जिससे सूखने पाए। अब उसके बाद उसी को दूसरी वॉच ग्लास में रखेंगे, फिर दूसरी वॉच ग्लास डालेंगे, ठीक है, अनाथ पुड द पील इनटू अनदर वॉच ग्लास, ग्लास, ठीक है, कंटेनिंग, उसमें क्या होगा, कंटेनिंग सेफ्रिनिन, सेफ्रिनिन हो, सेफ्रिनिन हो और आयोडीन हो, ठीक है, सेफ्रिनिन हो, आयोडीन हो या मेथिलिन ब्लू हो, ये सारे जो हैं वो स्टेन के लिए आते हैं जिससे कलर हो जाए उसका और अच्छे से वो हाईलाइट हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हम इसके बारे में, जब हम उसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, तो हम उसमें क्या देखते हैं, यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये पूरी चीज़ सिस्टम है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड पॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट में आते हैं, फोर्थ पॉइंट में ध्यान दीजिए, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे कि उसको हम निकालेंगे बाहर, ठीक है, एक स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड विल बी टेकन टू पुट पील इनटू इट, ठीक है, इसमें पील को हम रखेंगे, ठीक है, कलर हो गया उसको, फिर उसके बाद हम पील को उसमें रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम क्या डालेंगे, ग्लिसरीन, पोर ग्लिसरीन एंड कवर्ड इट विथ कवर स्लिप, से कवर स्लिप से हम ढकेंगे, कवर स्लिप से, ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे, एंड वॉच, उसको वॉच करेंगे, देखेंगे इनटू लो एंड हाई पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये देखिए, हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये देखिए साइटोप्लाज्म में आइए, ये न्यूक्लियस है, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो देखने के लिए, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लैब में अपने टीचर के साथ, सेफ्टी बहुत जरूरी है, टीचर के साथ करेंगे, उनकी जिससे भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको फॉलो करेंगे, लैब में डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है, इस तरह से ये आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई देगा, ये इस तरह से, ठीक है, सभी में न्यूक्लियस है, हर सेल में न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो सेल है ये प्लांट सेल है, क्योंकि ओनियन जो है प्लांट से गेन होता है ना, तो ये जो है वो प्लांट सेल है, ओके, वैक्यूल इसका बड़ा होता है, बीचों बीच जो है ये वैक्यूल है जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है, और
ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, वैक्यूल, बीच में जो होता है प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है बहुत बड़ा होता है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये जो है सेल वॉल, ऊपर की तरफ होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है प्लांट सेल में सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एनिमल में नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसकी जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें दोनों ही पाई जाती हैं, सेल वॉल भी पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी के नीचे होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें ये नहीं पाई जाती। तो ये जो है स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन ओनियन पील, ठीक है, आप सीख गए होंगे, ठीक है, इसको रिवाइज करके आप देख लीजिएगा फिर से बार बार, ठीक है। उसके बाद जो है एनिमल सेल के बारे में हम लोग देखेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट टू, एक्सपेरिमेंट टू पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू में एनिमल सेल के की हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि टेक हॉट वाटर, ज़्यादा गर्म मत ले लीजिएगा, ठीक है, टेक हॉट वाटर एंड रिंस योर माउथ, यानी अपने मुंह को कुल्ला करना है, ठीक है, रिंस योर माउथ इनसाइड द चीक, यानी गाल के अंदर, ठीक है, पर से फेस वॉश नहीं करना है, इनसाइड द चीक। अब गर्म जो रहेगा, इतना गर्म मत कर लीजिएगा कि थोड़ा नुकसान पहुंच जाए, ठीक है, तो नॉर्मल रहे, ठीक है, नुकसान भी नहीं पहुँचे। तो उससे करने से क्या होगा, आपको एक पील मिल जाएगी हल्की सी निकली हुई, आप टूथपिक, टूथपिक से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, पुट आउट द स्क्रैब सेल इनसाइड द चीक, विद द हेल्प ऑफ टूथपिक, ठीक है, टूथपिक के सहारे से उसको निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए उसमें कोई खरोंच लगने नहीं पाए, चोट लगने का खतरा हो सकता है, बहुत ध्यान से टीचर के साथ हेल्प में रहें, ठीक है, हेल्प ऑफ टूथपिक, ठीक है। अब ये जो आपने निकाला है, ठीक है, पील, ठीक है, तो ये तरीके की पील होगी, तो पुट द स्क्रैप पील, है ना, जो आपने पील निकाला है, ग्लास स्लाइड में रखेंगे, पुट द स्क्रैप पील इनटू ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड में इसको रखेंगे, ठीक है, एंड पोर मेथिलीन ब्लू, इसमें मेथिलीन ब्लू केमिकल डालेंगे, कोई भी डाल सकते हैं, सेफ्रिनिन डाल सकते हैं, मेथिलीन ब्लू डाल सकते हैं, आयोडीन डाल सकते हैं, ठीक है, मेथिलीन ब्लू एनिमल सेल के लिए ज़्यादा सही रहती है, हाईलाइट इसमें ज़्यादा होता है, मेथिलीन ब्लू स्टेन, ठीक है, ब्लू स्टेन एंड ग्लिसरीन, साथ में ग्लिसरीन डालेंगे जिससे कवर स्लिप करके हम उसको कवर कर देंगे, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हिलेगा नहीं, ठीक है, एंड ग्लिसरीन, ठीक है। अब उसके बाद कवर पील विद द हेल्प ऑफ ठीक है कवर स्लिप, कवर स्लिप से इसको ढक देंगे, ठीक है, ऑब्जर्व, और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जब इसको माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है,
ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है, उसमें थोड़ा हार्ड क्या होता है, वैक्यूल इसमें छोटे होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल में, इस वजह से सेंटर में होता है न्यूक्लियस। जबकि प्लांट सेल में जो है वो न्यूक्लियस थोड़ा सेंटर से अलग उठ के होता है, क्योंकि वैक्यूल्स बड़े होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या है, बीच में जो है राउंड स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म फ्लूड होता है ना अंदर, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये कहेंगे। ओके, ये क्या है, ये इसको हम डिनोट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स, ये यानी एनिमल सेल है। देखिए सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग, सेल वॉल तो नहीं दिख रही ना इस वजह से, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक। सबसे ऊपर क्लियर जो है वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, अंदर साइटोप्लाज्म है जिसको ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, ठीक है, और ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। इस तरह का ऑब्जर्व होगा आपको देखने पे, ठीक। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है। अब हमने सेल के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, सेल क्या होती है, उसको एक्सपेरिमेंट से हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। हम अब हम थोड़ा जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी कैसी हुई थी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, सेल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, नेकेड आई से हम लोग उसको नहीं देख सकते, ठीक है, ठीक है। सेल इज डिस्कवर्ड बाई, यहां पे ध्यान देना इसको, ठीक है, सेल इज डिस्कवर्ड बाय, नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुक, हुक, ठीक है, ईयर भी याद रखना है, इन 1665, ठीक है, वाइल ऑब्जर्विंग द स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, जब वो कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क जो है वो बार्क ऑफ ट्री है, कॉर्क इज द बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ की छाल है वो, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, तो सेल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, सेल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है, और कब करी थी, 1665 में, वाइल ऑब्जर्विंग द स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। जो बॉटल के ओपनर पहले आते थे वो वुड के आते थे, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट रहते थे, तो उसको कॉर्क कहते थे, ठीक है। उसकी पतली स्लाइस काटी, चूंकि प्लांट से आता था, तो जो रॉबर्ट हुक ने थे उनकी पतली स्लाइस काट के अपने सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप भी देखा, ठीक है। तो कॉर्क जो है वो पेड़ की छाल होती है जिसे बॉटल के ओपनर पहले बनते थे, ठीक है। तो कॉर्क इज द बार्क ऑफ ट्री, ठीक। तो ही सा हनीकॉम स्ट्रक्चर, हनीकॉम स्ट्रक्चर की तरह उसने देखा, हनीकॉम स्ट्रक्चर, उसने हनीकॉम स्ट्रक्चर की तरह देखा, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर जैसे एक के ऊपर एक होता है, इस तरह से हनीकॉम का स्ट्रक्चर होता है ना, पेड़ के जत्ते में जब आप ध्यान से देखेंगे ना, ठीक है, शहद में इस तरह से लगा होता है, आप ब्रिक भी देख सकते हो अपने घर में जब बनती है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, हनीकॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, हनीकॉम स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। ही कॉल्ड
देम सेल, इन्होंने उनको क्या कहा, सेल कहा, ठीक है। अब सेल जो कहा, क्यों कहा, क्योंकि सेल इज द वर्ड एक शब्द है जिके विच इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला, सेलुला से लिया गया है, ठीक है। ये वर्ड ये देखिए, सेलुला से लिया है, सेल ले लिया गया है, ठीक है। जिसका मतलब होता है विच मीन्स, जिसका मतलब होता है विच मीन्स लिटिल रूम, जिसका मतलब ये होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे जो रूम होते हैं ना उसकी तरह, ये एक रूम की तरह होते हैं, इस वजह से यहाँ से सेल लिया गया है, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये, ठीक है। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि बेसिक यूनिट क्या होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो उन्होंने जितनी भी रिसर्च करी थी वो अपनी एक बुक में, ठीक है, ही गिव हिज रिसर्च इन माइक्रोग्राफिया न्यूज़पेपर, ठीक है, माइक्रोग्राफिया मैगजीन आती है उस टाइम, ठीक है। अभी क्या है कि जब कोई भी रिसर्च हो जाती है, ठीक है, तो उसमें इंटरनेट में आ जाता है, बहुत सारी रिसर्च हो जाती है तो इंटरनेट से लेकर पूरी दुनिया में फैल जाता है, तो उस टाइम ऐसे नहीं था, ठीक है ना। तो मैगजीन में उन्होंने छपाया, उस मैगजीन का नाम याद रखेंगे माइक्रोग्राफिया, ईयर याद रखेंगे 1665 ही, ठीक है। उसी टाइम उन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है, और 1665 में उन्होंने आंसर किया था, ठीक है। तो ये थी सेल की डिस्कवरी, सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, 1665 में, वाइल ऑब्जर्विंग द स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है, कॉर्क इज द बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, हनीकॉम स्ट्रक्चर इस तरह से देखा था उसने, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, लेकिन जो सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। रॉबर्ट हुक सा डेड सेल, डेड सेल, ठीक है। उसके बाद जो और साइंटिस्ट हुए, उसके बाद और रिसर्च हुई सेल के बारे में, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक, सा लिविंग सेल अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, इंप्रूव होते गए माइक्रोस्कोप से, देखा उन्होंने क्योंकि छोटी चीज को बड़ा दिखाता है ना वो, इसी वजह से अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक सॉ लिविंग सेल अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपने खुद के माइक्रोस्कोप देखा इन 1674, ईयर याद रखना है 1674 में, ठीक है। ही ऑब्जर्व, उसने कौन कौन सी चीजें सेल देखी, उन्होंने ऑब्जर्व आरबीसी देखी, यानी रेड ब्लड सेल देखी, ठीक है, यूनिसेलुलर सेल जैसे अमीबा परमेशियम, ये सारी चीजें देखी, ठीक है। उसके बाद जो है उसने और भी बहुत सारी सेल देखी, जैसे बैक्टीरिया देखा उसने, बहुत बड़ी रिसर्च थी ये, ठीक है, बैक्टीरिया देखा। उसके बाद कई सारी और भी सेल देखी, जैसे स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन की स्पर्म सेल देखी उसने, ह्यूमन फिश एंड फ्रॉग, ठीक है, कई सारे एनिमल्स के उसने स्पर्म सेल भी देखी। तो लिविंग सेल जो देखा था सबसे पहले वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, ये याद रखना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसके बाद जो है और भी डिस्कवरी 1831 में, रॉबर्ट
ब्राउन डिस्कवर्ड, ठीक है, न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, न्यूक्लियस इन इन द सेल्स ऑफ ऑर्चिड रूट्स, ऑर्चिड रूट की में, ठीक है, उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, ठीक है। उसके बाद 1839 में, ठीक है, पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, पुरकिंजे गिव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग कंटेंट होता है सेल का ना, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल वॉल है तो वो जो है डेड है ना, ठीक है, वैक्यूल जो होती है वो डेड होती है, तो जितना भी बाकी जो बचा है वो लिविंग होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है, इसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने, हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज? हम लोगों ने सीखा, सबसे पहली चीज़ है सेल के बारे में जाना, ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट देखे दोनों, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा, डिस्कवरी ऑफ सेल सीखी हम लोगों ने, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल में सारी चीज़ें देखी, किसने इसे डिस्कवरी करी, उसके बाद क्या रिसर्च हुई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज सीखी, ठीक। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थैंक यू।